नमस्कार, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके बीच रेलवे एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मेरे साथ आप अंत तक बने रहेंगे और बहुत नया कॉन्सेप्ट, नया रूल, नया मेथड मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और करने का काम करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप पर, आप जरूर करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन क्या है। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो समय से 5 मिनट पहले ही कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। आप जो है ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देख रहे होंगे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, उसके बाद 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। इस हिसाब को हम लोग, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आखिर कैसे बनेगा कि जगदीश नाम का कोई लड़का है और कार्यालय पहुंचता है, जब उसका चार किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, जब उसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, देर से पहुंचता है। उसके बाद क्या है कि यदि जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि चाल बढ़ गया है, इसका मतलब समय तो कम लेगा ही, यहाँ 10 मिनट ज़्यादा समय लिया और यहाँ पर 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन देखिए हम लोग पलक झपकते इसको तो मार के खड़ा। देखिए, जब किसी क्वेश्चन में 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले की बात हो, लेकिन यहाँ पर है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल होता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। कुछ नहीं करना, देखिए दोनों चाल दिया हुआ है, दोनों चाल को एक बार गुना कर दीजिए, देख रहे हैं, दोनों चाल को हम गुना कर दिए, अब दोनों चाल का डिफरेंस कर दीजिए तो 5 माइनस 4, आगे मिनट कितना है, 10 प्लस 10 मिनट, यहाँ लेट से पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है, इसका दोनों मिनट का अंतर करेंगे, घटाएंगे नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस कितना हो भाई, 15 मिनट हुआ, लेकिन है ये मिनट में, जबकि मेरा चाल प्रति घंटा में, घंटा में मेरा चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, इसे घंटा बनाना ही पड़ेगा, तो 60 से क्या करेंगे, भागा देंगे। चलिए काम हो गया आपका आंसर, तो 15 चौका 60, 4 4 कैंसिल और 5 4 घटेगा 1, यानी 5/1 क्या हो गया भाई, 1 और 5/1 इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 5/1 बराबर क्या हो गया, 5। इसका मतलब घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर, देख लिया, मान लिए 5 किलोमीटर खड़ा, हम इसको मानेंगे एक्स किलोमीटर, वाई किलोमीटर, तो कंपटीशन पढ़ने से क्या फ़ायदा, कंपटीशन का मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा। अभी आप देखें कि जगदीश नाम का कोई व्यक्ति है, इसका चाल जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो 10 मिनट लेट से वो कार्यालय पहुँचता है, लेकिन जैसे ही उसका चाल बढ़ता है पहले पहुँच जाता है 5 मिनट पहले, तो बाद और पहले की जब बात हो और चाल दिया हो तो एक बार दोनों चाल को गुणा कर दें, बटे दोनों चाल का डिफरेंस कर दें इनटू, अभी दो जो मिनट पहले और बाद की बात है, दोनों मिनट को आप जोड़ दें, 10 और 5 कितना हो गया, 15, ये है मिनट में, इसको घंटा बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो घंटा बना दिए तो 60 से भागा देना पड़ेगा मिनट में घंटा बनाने के लिए, आपको आप भी जानते होंगे, तो 15 चौका कितना हुआ, 60 और 4 4 कैंसिल, बचा क्या इधर 5 और नीचे 5 घटाओ 4, तो 5 तो ऊपर में रहेगा ही, 5 घटाओ 4 मतलब 1 में भागा देगा 5 से 5 किलोमीटर, देख लिया आपने। चलिए मार दिया खटाक, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके बीच स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन आप ध्यान में लगाए रखिए और मेरे साथ अब तक रहिए, बहुत नया नया क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम लोग अगले सवाल चलते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, देखिए यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य
20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य यानी बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी, लॉस पूछता है। देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, 20 25 30 और 15। आप बताइए चार ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ऐसे हिसाब किसे बनाएंगे आप, हिसाब भी देख रहे होंगे, प्रॉब्लम क्या है स्क्रीन पर। तो 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कुछ नहीं, एकदम रफा दफा करने चुटकियों में। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, 15 मेजों का एक नया चीज आपको मिलने जा रहा है। देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य बराबर क्या है भाई, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, रेलवे एसएससी का क्वेश्चन है के बराबर है। तो हानि पूछता है इसमें कि लॉस कितना परसेंट होगा, तो लॉस हानि या लाभ जब भी हम लोग निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तब तो कुछ नहीं, आपको भी दिखाई पड़ रहा है और हमें भी दिखाई पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे हम लकीर खींचते हैं कि जो 15 देख रहे हैं 15 को भेज दीजिए कहाँ पर, यहाँ पर विक्रय मूल्य के पास, चल गया। अब क्या बचा भाई 20, 20 कहाँ भेजना है, उल्टा ये गया विक्रय मूल्य के पास, तो ये भी कहीं ना कहीं जाएगा ना, इसको भेंट मुर्दा करने का मन था विक्रय मूल्य से, चला गया वहां पर। अब इसको भेंट मुर्दा करने का मन कहां से है, क्रय मूल्य के पास चला गया। अब देख लिए होंगे कि क्रय मूल्य पता चल गया कि क्रय मूल्य हो गया 20, देखिए यहां पर है क्रय मूल्य के पास गया ये, इसका मतलब मेरा सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 20 और देखिए विक्रय मूल्य कितना है 15। तो आप जब जान रहे हैं कि जब कोई वस्तु को 20 रुपया में खरीदेंगे और 15 रुपया में बेचेंगे क्या आपको हानि हो गया, तो आप भी जान सकते हैं हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20 रुपया में खरीदे 15 रुपया बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि मेरा कितना होगा, लॉस 5 रुपया, इसमें घटा दीजिए दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, 5 रुपया लॉस हुआ, कहता लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत ऑलवेज जब भी फाइंड होता है तो ऑन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर होता है, तो लॉस गुना 100 हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना भाई 20, तो काट दीजिए 20 बचे 100, 5 बचे 25, मार दीजिए खटाक आगे आंसर। आपने देखा यही है सुपर कॉन्सेप्ट और सुपर मेथड, कुछ कर रहे हैं एकदम, बस एक से दूला में बस खींच रहे हैं, मेरे साथ में आप अंतर बने रहेंगे, अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करने का जरूर काम करेंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास रहता है आप लोगों पर कि अच्छा यदि लग रहा है तो जरूर ऐसा काम करने का काम करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, रेलवे एसएससी का सेट चल रहा है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा आरएस का बाद फिर राठस का बुक भी चलेगा, बहुत स्टूडेंट का ये भी डिमांड है कि सर हम लोग आरएस अग्रवाल का एक हिसाब हम लोग जान लें कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बनता है, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी देखे होंगे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपका है, चलिए आपके अगले सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, चला गया स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.5 की क्वेश्चन लिखाई पढ़ ली देते हैं, 0.5 का हॉल क्यूब प्लस 0.6 का हॉल क्यूब डिवाइडेड, आपको लग रहा है बहुत बड़ा सवाल दे दी अब की बार आ गया है, कुछ नहीं ये सवाल आप रफा दफा कर देंगे चुटकियों में, देख लीजिए ये डेसिमल पर पावर क्यों दे दिया है, इतना बड़ा लिख दिया है, कुछ नहीं चुटकियों में इसका सवाल, पेशेंस रखिए मैथ चल रहा है, मैथ में सर जॉली गुड विदाउट टेंशन, सर जितने में मजा दबाता है जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं, देख लीजिए ये सवाल चल रहा है इसमें आपको ऐसा बात बोलेंगे मजा आ जाएगा। चलिए तो मैंने इससे पहले हमारा वीडियो आप देखे होंगे कि जब भी कोई नंबर अगर रिपीटेड होता है तो कहीं ना कहीं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर वो बेस्ड रहता है, वो बीज क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक पर वो आधारित रहता है कहीं ना कहीं। देखिए 0.5 का हॉल क्यूब प्लस 0.6 यहाँ पे 0.5 है और 0.5 यहाँ भी है, 0.6 यहाँ भी है और 0.6 यहाँ भी, कहीं ना कहीं बीज गणितीय तादात्म्य पर ये कहीं ना कहीं इसको रखा गया है, तो किस बीज गणितीय तादात्म्य पर रखा गया है आप खुद हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसका जो ऑप्शन देखिए ऐसे आप अस्की पर ऑप्शन देखिए देख लिया हमें, लेकिन हम भी लिख देते हैं, चलिए इसका ऑप्शन है 1.0 उसके बाद 1.1
ये 1.0 है, उसके बाद 1.3, उसके बाद 1.4। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, आपको भी लग रहा होगा डेसिमल वाला कुछ भी नहीं, जहाँ जहाँ 0.5 है, यदि हम इसको ए मान लेते हैं, देखते जाइए, यदि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम यदि बी मान लेते हैं, तो क्या हो गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, आप लोग भी जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको तो हम मान सकते हैं कि 0.3 कहीं है नहीं, अपने आप पता चल जाएगा, इसको हम बी मान लेंगे क्योंकि हम बी मान चुके हैं, कि हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में क्या हो सकता है, यदि हम 0.5 यदि हम गुणा करेंगे 0.6 में, तो क्या 3 आ सकता है, हाँ 6 5 30 डेसिमल इधर से एक अंक के बाद इधर, इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद होना चाहिए यहाँ पर, डेसिमल पर यदि 0 है तो कुछ ना कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, 0.3 आप दे सकते हैं, इधर 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाइकेशन करके ये यहाँ पर लाया है, इसका मतलब है कि दोनों को गुणा किया, इसका मतलब यहाँ पर ये भी होगा, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, गुणा करेंगे वो बहुत समय लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, इसका इसके बराबर क्या होता है, वही होता है जो मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या दिया हुआ है, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन समाप्त हो जाएगा, आप भी देख लेंगे, ये इसका सूत्र साफ साफ, इसका सूत्र साफ कर दिए, क्या बच गया, ए प्लस बी, ए किसको माने थे 0.6, 0.6 को यहाँ पर लिखिए, प्लस यहाँ पर प्लस है, बी का वैल्यू कितना है 0.6 जोड़ दीजिए 6 5 11 बाकी 1.1 कहाँ ऑप्शन में है, मार दीजिए कटा, ये देखिए कुछ लगा कुछ भी नहीं, मजा आ जाएगा, देख रहे रेलवे एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग अब तक बेसन का बने रहे हैं, फिर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्या है नेक्स्ट सवाल, आप देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चलिए तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखिए आपका क्या है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन सवाल, देखिए अगला सवाल है कि राजू ने आपकी बार है बहुत तगड़ा हिसाब, आप जरा माइंड को जरा स्थिर करके रहिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा, राजू ने 5,000 रुपया मूल्य का एक श्वेत श्याम टेलीविजन टीवी सिर्फ 2,000 रुपया नगद देकर खरीदा, टीवी का दाम है 5,000 रुपया लेकिन उस नगद केवल नगद को ही 1,000 रुपया पेड किया, इसका मतलब बाकी कितना रह गया देने के लिए, एक टीवी है जिसका दाम है 5,000 रुपया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसने पेड किया कितना 2,000 रुपया, कितना बाकी रह गया 2,000 घटा देंगे इसमें कितना बच गया 3,000 रुपया उसको पेड करना भी और है, लेकिन बेचारा गरीब था एक बार दे नहीं पाया, तो उसने क्या कहा कि हमको किस्त बांध दो भाई, हम किस्त बाई किस्त करके दे देंगे, उतना पैसा मेरे पास से नहीं है एक बार में हम दे पाएंगे, तो कहा ठीक है भाई किस्ते पर दो हिसाब पैसा दो, देखिए किस्त कितना किस्त देना पड़ेगा, वही पूछ रहा है कि शेष धन मतलब 3,000 रुपया को 5% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया है के साथ 3 वार्षिक मतलब 3 साल में उसको चुकता करना है किस्तों में, तो प्रत्येक किस्त कितना रुपया को देना पड़ेगा, कि बंदे को 3,000 रुपया उसको पेड करना है, बोला कि हम इतना रुपया दे नहीं पाएंगे भाई साहब, हमको किस्त बांध दो हम किस्त बाय किस्त करके दे देंगे, किस्त में इतनी कम राशि पड़ेगा इसलिए कहा कि किस्त बांध दो, तो एक किस्त कितने रुपये का होना चाहिए, चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं, मार देंगे ऑप्शन से कटाक, देखिए ऑप्शन क्या है भाई आपका, पहला 1101.63, बहुत बड़ा सवाल लग रहा होगा, लेकिन देखिए कि बहुत नया सवाल आपको देखने को लगा कि इसको हम कैसे बनाएगा, इसके पर भी देखना होगा कितना बड़ा सवाल है, इस बंदे को 3,000 रुपया पेड नहीं कर पाया, इस पर किस्त बांध दिया कि आप किस्त नहीं हो, तो एक किस्त कितना रुपया का होगा वो पता लगाना है, चलिए 1101.63 रुपया, बी ऑप्शन कितना है भाई 1057.63 रुपया, उसके बाद चलिए यहाँ पर ई ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जरा देख लीजिए क्या होता है 1365.5 रुपया, उसके बाद
1008.5 रुपया। चलिए ये चार ऑप्शन मिल गया है, इस बंदे को 5000 में 2000 रुपया पेड किया है, कितना इसको पेड करना था 3000 रुपया, लेकिन नहीं दे पाया बंदा, इसके पास पैसा नहीं था, कहा कि हमें किस्त बांध दो भाई, हम किस्त में चुकता करेंगे, हम किस्त में चुकाएंगे, तो एक किस्त कितना रुपया का होगा, उसको 3 साल में पुराना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, रेट उसका 5% देख सकते हैं, रेट कितना परसेंट आप स्क्रीन पर क्वेश्चन भी देख लोगे, 5% एनुअल उसका, तो उसके बाद टाइमिंग कितना है, 3 वर्ष में उसको चुकता करना है। देखिए ऐसे हिसाब को हम लोग कई मेथड से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको उस मेथड को बताऊंगा, आप दो तीन मेथड है आपको देख लीजिए कैसे कैसे बनाते हैं, तो इसमें पता चलेगा खुद, और जो सुपर मेथड बताएंगे वो अंतिम मत बताएंगे, देख लीजिएगा सबसे पहले। तो किस वाला हिसाब है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे जरा आप लोग देखिएगा, हमको ये रास्ता बताता है किस वाला जब हिसाब हो तो आप रेट को देखिए, रेट को नहीं पकड़िएगा तो किसी से भेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए रेट को पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी आंसर से भेंट होगा, इस रेट को पकड़िए तभी आंसर से होगा भेंट, रेट को छोड़िएगा तो भेंट नहीं हो पाएगा। देखिए रेट को मैंने पकड़ लिया, 5% इक्वल टू व्हाट विल बी, क्या होगा 5%, मतलब 5/100 प्रतिशत का क्या होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है, आप भी पढ़े होंगे डिफिनेशन, तो 5% को अभी 5×1/100 या 5/100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटिए इसको, यही रास्ता दिखाएगा परसेंटेज, 20 बचे हैं 100, यानी ये जो रेट आया सिंपल करें कितना है 1/20, 1/20 में 1 क्या है और 20 क्या है, समझिए बढ़िया से, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, यदि परसेंटेज में जब सिंप्लीफाई करके कभी भी आए तो बेहिचक विदाउट हेजिटेशन यू कैन स्पीक अबाउट 1/20 1/20 सिंप्लीफाई करके आया 5% को, ऊपर वाला जो कहलाता है इंटरेस्ट और नीचे वाला कहलाता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, 1 रुपया हो गया ब्याज और 20 रुपया हो गया मूलधन, 20 रुपया पर 1 रुपया उसे ब्याज मिल रहा है या 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा उसे 20 रुपया पर, इसका मतलब ये ब्याज और ये मूलधन, यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो सकता है, आप भी जानते हो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, तो हम यदि दोनों को जोड़ देंगे तो जरा हम इसको जाओ कर समझा आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन को स्क्रीन पर देख रहे क्वेश्चन टाइमिंग को लिख लिखने को दिक्कत नहीं है, तो 20 से कितना हो गया भाई 1/20 मतलब कितना हो गया, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 1/20 का मतलब हो गया, यदि हम जोड़ेंगे इसमें ब्याज को जोड़ेंगे मूलधन में तो 20 से कितना हो गया 21, अब मूलधन कितना है 20, आप देखते जाइए क्वेश्चन टाइमिंग कितना है, अब इस पर आएंगे, लेकिन आपको लग रहा है बहुत समय लग रहा है, नहीं समय नहीं लग रहा है, इसके बाद देखिएगा ये भी आपको समझ जाने के बाद इसमें भी कम समय है, लेकिन इससे कम समय लगेगा आपको जस्ट इसके बाद, अंत तक बने रहिए, देखिएगा झूठ नहीं बोल रहा आप, देखिएगा टाइमिंग कितना है भाई साहब 3 ईयर्स, इस पर कर दिए पावर 3, इस पर कर दिए पावर 3, आप दोनों कर देंगे 3, कैसे था देखिए 21/21 का कितना होता है आप भी जानते होंगे 92/61, क्यों भी करने के लिए आप लोग बताएंगे कितना जल्दी हम लोग कर लेते हैं क्यों, और 20 का कितना हो गया भाई 8000, आप देख लीजिए ये मूलधन को कितना हो गया ये 8000 और ये अमाउंट कितना हो गया 92/61, यदि दोनों को डिफरेंस करेंगे क्या आएगा भाई मिस्टर में यदि हम मूलधन घटाएंगे क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा नहीं, आप लोग जानते होंगे कितना आएगा 1261, मार दीजिए कटाक, अब मेरा मन चलाने जा रहा है, देख लीजिए क्या करें, प्रत्येक किस्त को निकालने के लिए मैं अब क्या करूंगा, कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, देखिए टेक्निक समझिए, अमाउंट उठाइए कंप्लीट, अमाउंट को जो मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना पर उसको किस्त बना गया कितना के लिए 3000 रुपया पर, 3000 से गुणा कर बटे जो डिफरेंस करके इंटरेस्ट आया वहां पर लिख दीजिए, यहां पर इनटू फॉल्स मूलधन, फॉल्स शुरुआती फॉल्स मूलधन क्या है 20, आगे आपका प्रत्येक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है इसको, आगे आंसर काटिए इसको, तो 0-0 कट गया, 15 कितना हुआ 30, अब आप कर सकता है क्या, अब कितना हो गया भाई, तो कितना हो गया 92/61 और कितना हो गया 150, अब बटे कितना हो गया
1261। उसके बाद यहाँ तो कुछ बचा नहीं, लेकिन एक टेक्निक बता दी, आपको लग रहा कि इतना गुना करने का मेरे पास समय नहीं, समय है नहीं, समय है तो उसके लिए भी मेरा पास ट्रिक है। जहाँ सी नाइन का रूल कर देंगे, सी नाइन ये देखिए सी नाइन फटाफट कर देंगे, जहाँ जहाँ तो है उसको रफा दफा हटाइए, नौ छः दो आठ एक नौ पाँच एक छः, नौ से किसी गुना करेंगे तो नौ ही आएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा भाई नाइन, और देखिए नीचे में क्या होगी, तो कहाँ तो बचा नहीं, छः दो आठ एक नौ, नीचे में क्या बचा, एक नौ बटे एक बराबर नौ। आप देखिए किस ऑप्शन में ये ऐसा है कि किस ऑप्शन से ये पूरी तरह से कट जाता है, वही बराबर वही ऑप्शन में मार खड़ा मार देंगे। देखिए ये नौ जो है किससे कट जाता है, छः तीन नौ काटिए पाँच, कितना हो भाई पाँच पाँच दस, और दस कितना हो भाई ग्यारह, ग्यारह मतलब क्या हो गया कितना दो, दो से नहीं कटता ये ऑप्शन नहीं, देख लिए एक छः तीन नौ काटिए एक दो तीन, तीन दिया नौ, देखिए कट रहा है, इसका मतलब इस पर पकड़ लेंगे इसको, आगे देखिए आठ एक नौ कट गया, छः पाँच ग्यारह दो आ रहा है नहीं कट रहा है, उसके बाद कहाँ छः तीन नौ सात पाँच बारह बारह एक तेरह तीन एक चार, चार से नहीं कटा, किससे कटा उससे कटा, ये यही आंसर देख लिया आपने। अब देखिए सुपर ट्रिक, अब बचाए आपको लगा होगा कि ये तो बहुत हल्का सा बहुत ज़्यादा समय ले रही है, कुछ नहीं, अब जो आएगा विद इन थ्री या फाइव या मैक्सिमम फाइव सेकेंड, देखिए सुपर कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है। ऑप्शन तो हटाया है, ऑप्शन कहाँ लिखेगा, ये ऑप्शन ऑप्शन लिखना पड़ेगा तभी ना, हम लोग पहले चलिए ऑप्शन लिख देते हैं, चलिए हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, आप जो है नया सुपर कॉन्सेप्ट लिए ऑप्शन लिखते हैं, अब देखिए क्या समय लगेगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत समय लग गया, लग गया तो लग गया, अब लगेगा कब, मजा आएगा, देखिए कितना है भाई वन वन जीरो वन इंटू सिक्स थ्री, उसके बाद दस सौ सत्तावन इंटू सिक्स थ्री, उसके बाद 1365 इंटू 50 रुपया, उसके बाद 1008.5 रुपया, क्या इस हिसाब को आप 5 सेकंड बनाना चाहेंगे, कौन नहीं कहेगा जब 5 सेकंड बनाएंगे, 5 सेकंड ऐसे हिसाब पास आपको लग रहा था आश्चर्य की 5 सेकंड लक्ष्मण सर बोल रहे हैं, पता बड़ा आश्चर्य की बात लग रहा है, नो वंडरफुल आश्चर्य नहीं सही, कहाँ है आपका रेट, रेट ही आपको आंसर से भेंट करेगा, इसलिए रेट को पकड़िए तब होगा भेंट, कहाँ कितना है 5% 5/100 100, ये मूलधन ये ब्याज दोनों जुड़े कितना हुआ दोनों का 21, देख लिए 21, आप बताइए भाई ये तो 21 हो गया और ये 20 को है ही, क्योंकि 20 मूलधन 21 20 धन हो गया, ऊपर वाला को देखिए कि नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं, नीचे पोर्शन आपको नहीं बताएगा, आपका ऊपर वाला पोर्शन बताएगा, आपका अमाउंट बताएगा, ये अमाउंट क्या बताएगा ऊपर वाला अमाउंट, इसका पहले फैक्टर कीजिए, फैक्टर क्या होगा इसका फैक्टर 21 का, एक एक से भागा लगेगा 21 में, तीन से भी लगेगा, सात से भी लगेगा और 21 से भी लगेगा, आप देखिए एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, ये तो सब जान रहे हैं, इसको बिटा दें, इधर से देखिए उधर से नहीं इधर से देखना है, एक से सब संख्या कटे उसको छोड़ दीजिए, अब देखिए यदि इससे कट जाता है कोई ऑप्शन, अगर नहीं कटेगा तो हम इस पर जाएंगे, यदि इससे नहीं कटता है तो हम इस पर जाएंगे, इससे नहीं कटेगा इस पर जाएंगे, ठीक है, यदि देखते हैं कि जो तीन जो ऑप्शन में कटता है वही आपका आंसर होगा, मान लीजिए कटा दूंगा 100% राइट, देखिए तीन से कौन कटता है, तीन से विभाजक का क्या नियम है, यदि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि तीन का पहाड़ा हो, तीन का गुणज हो, तीन का मल्टीपल हो, तीन का अपवर्त हो, वही संख्या पूरी तरह से तीन से कटेगी, तो देखिए तीन का पहाड़ा कौन को कौन संख्या आ रही है, जोड़िए सब अंको छः तीन नौ नौ एक दस दस एक ग्यारह ग्यारह एक कितना हो गया भाई बारह, क्या तीन के पहाड़ा में बारह आता है, एकदम पकड़ा गया एकदम, देखिए परसेंटेज देखिए इसको रेट को देखिए, हो गया आसान से भेंट, रेट को देखिए भेंट हो गया तुरंत, तीन से कौन कटेगा था या बारह, इसका मतलब है कि तीन से बारह कट रहा है, इसका मतलब आंसर को दबोच लेना है, लेकिन अभी नहीं,
आपके मन में डॉट, कहीं आ गया और भी आ जाए जांच कर लेना है। 5 1 6 7 6 13 13 6 19 19 3 22 क्या 3 के पहाड़ आता है? नहीं, इसका मतलब इसको काटने के लिए नहीं होगा। 5 5 10 10 6 16 16 4 20 क्या पहाड़ आता है 3 के पहाड़ में? नहीं, काट देंगे। 8 1 9 9 5 14 क्या आता है? नहीं, तो किस में आता है? एकदम देखिए रे, होगी आंसर से भेंट, मार के खड़ा एक नंबर क्वेश्चन, मार के 5 सेकंड। ऐसा सुपर क्वेश्चन कहीं नहीं मिला होगा, अगर मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपको नया चीज मिल रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करने का काम करेंगे, अपने साथियों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे। सुपर कॉन्सेप्ट, सुपर रूल, सुपर मेथड आपको नया मिल रहा है। तो आसपास के बड़े क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ऐसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन रहेगा, एकदम ब्रेन बेस ऐसी घुमाधार क्वेश्चन चलेगा। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आप, अभी कुछ समय पहले देखा मैंने रेट और होगी आंसर से भेंट, इसलिए रेट को छोड़ना नहीं है, अगर वो रेट को छोड़ देते तो भेंट नहीं होता। चलिए हम लोग आगे अगले सवाल पे चलते हैं। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई, टोटल लड़का कितना है? देख सकते हैं क्वेश्चन 50 में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई कितना, औसत एवरेज, यानी एक का ऊंचाई कितनी है, एक लड़का की ऊंचाई कितनी है, औसत का मतलब क्या? औसत का मतलब एक का कितना है 160 सेंटीमीटर, तो किसका कितना होगा, 30 का गुना कर देंगे। अभी गुना करने को जरूरत नहीं है, आपके साथ समझ जाएगी। 50 में 30 पता चला, चल गया, आउट हो गया, बचा कितना, घटा देंगे इसमें 20 लड़के की औसत ऊंचाई कितना है भाई, औसत ऊंचाई, तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं 165। तो कहता है कि कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या हो, कक्षा के सभी लड़कों, कक्षा में सभी लड़का कितना है, 50 पर निकाल 50 पर, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। आप अस्सी बने से तो ऑप्शन में आप भी देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में 161.5 सेंटीमीटर, 164, 162, 163 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन होगा देख सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं, शुरू करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, तीस लड़का का कुल ऊंचाई निकाल रहे हैं, 30 लड़का का कुल ऊंचाई इतना हो गया, प्लस 20 लड़का का कुल ऊंचाई, दोनों गुणा कर देंगे, 20 गुणा 165। हमें कहा था कक्षा के कुल कितना, 50 पर निकालेंगे, 20 पर नहीं, अलग अलग नहीं, टोटल 50 पर, 50 से भाग दे देंगे, मान दीजिए आंसर क्या होगा, आपका आंसर तो देख सकते हैं, सोच दिया 4800। अब इसको गुना कर देंगे, एक युद्ध है भाई, 5 × 10 16 × 32 = 50, जोड़ के कितना आएगा, 8 × 3 = 81, भागा दिए 50 से, कट गया 5 × 5 = 5, 5 × 36 अब 5 × 10 162, मार दीजिए 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी देख रहे हुए कि ऑप्शन आपका सी नंबर, ऑप्शन आपका देख रहे हैं सी नंबर आपका ऑप्शन है। तो अभी आप लोगों ने देखा कितना सुपर कॉन्सेप्ट के साथ अब मैंने आज रेलवे एसएससी का सेट अभी चलाया, अभी लगातार जारी रहेगा। अगर अच्छा लगा होगा आज का कॉन्सेप्ट, आज का रूल, आज का मेथड, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर, अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपके ऊपर मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास से करेंगे। और लक्ष्मण सर तो आपके बीच हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, इसलिए मेरा मन मानता ही नहीं, तो मैं आपके बीच आ ही जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ।